यार मूवी खत्म हो चुकी है। क्या मूवी थी, मजा आ गया। 3 घंटे की मूवी है और लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये 3 घंटे की मूवी है। हर सीन में कुछ नया, हर सीन में कुछ इंटरेस्टिंग, हर सीन में धमाका एक्शन, हर सीन में रोमांस, सब कुछ था इस फिल्म में। सो यारो, वी आर फाइनली हेयर टू वॉच पुष्पा मूवी। मजा आने वाला है, चलिए चलते हैं। लेकिन तब तक, जब तक नहीं खुलता है तब तक आज ये मैं आपको इस होटल की शेयर कराता हूँ। गाइस, बहुत सारी मूवी यहाँ पर लगी हैं, पर मैं अपनी फेवरेट मूवी पुष्पा को देखने आया हूँ चंडीगढ़ करे आशिक, स्पाइडरमैन नो वे होम, तड़प। और एक हमारी फेवरेट मूवी कहाँ है, चलिए ढूंढते हैं। ये रही हमारी पुष्पा मूवी। वाह, अल्लू अर्जुन ढाकर लुक में दिख रहे हैं। मजा आ रहा है यारों, पुष्पा मूवी को देख के दिल खुश हो गया। असली मजा तो तब आएगा जब मैं मूवी जाके एंजॉय करूँगा और आपको बताऊंगा, जो कि हमारे वीडियो का मेन मोटिव कि आप उससे क्या सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं पुष्पा से। चलिए शुरू करते हैं। यारों, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने सोचा कि आपको स्पाइडरमैन के बारे में कुछ बता दूँ। तो ये रहे हमारे स्पाइडरमैन, ये रहे हमारे मेन कैरेक्टर। स्पाइडरमैन भी अच्छी मूवी है, तो अगर आप स्पाइडरमैन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है। यारो, जैसे जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ सिनेमा हॉल में, क्योंकि मैं ज़्यादातर मूवीज़ के लिए जाता नहीं हूँ, फेवरेट पुष्पा मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मज़ा आने वाला है, चलिए चलते हैं। यारो, आप सबको मैरी क्रिसमस इन एडवांस। मैट्रिक चर्सी यारो। यारो, हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा अपनी पुष्पा मूवी के लिए। कमाल की मूवी है, रहा ही नहीं जा रहा, एक्साइटमेंट बढ़ ही रही है। मन कर रहा कितनी जल्दी मैं पुष्पा मूवी देखूं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें और अमेजिंग और कुछ लाइफ चेंजिंग, लाइफ को अच्छा बनाने वाली आपको कुछ अच्छी बातें बता सकूं, इससे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। कैसे वेट करें यार, पुष्पा देखने का बहुत मन कर रहा है। जल्दी से पुष्पा खुले और हम पुष्पा दी राइस को एंजॉय करें। गाइस, मजा आने वाला है, हो जाओ तैयार। ये मत सोचो कि सिर्फ मैं देख रहा हूँ, मैं आप सबको भी दिखाने वाला हूँ। पूरी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें, इसमें कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी और हमें ये मूवी क्या सीख देती है और इस मूवी से हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस मूवी से हम क्या सीख सकते हैं। यारो, इसी गेट से हम कुछ देर में अपनी पुष्पा मूवी देखने के लिए जाएंगे, मजा आने वाला है। ये रही हमारी टिकट, चलो चलते हैं। यारो, हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है, अब चलिए चलते हैं सीधा गेट के अंदर। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एफर्ट्स
with countless inspiring stories that soon became a jungle. मजा आने वाला है पुष्पा मूवी देखो. The efforts of a courageous healthcare workers carrying vaccine in the tough terrains of the hilly areas is an exemplary service to humanity. Vaccine man of Assam who took to himself going door to door convincing people to get vaccinated. A man from Chennai took an artistic approach to promote every individual made it a successful. Last year, when the Prime Minister vowed to the nation that every eligible citizen will be given coronavirus vaccine, यारो पहुंच चुके हैं अपने मूवी थिएटर में. बिल्कुल मजा आने वाला है. छोटे मसाले देखो सामने से चल रहा है, इसमें एक्ट चल रही है. यारो मूवी खत्म हो चुकी है, बाहर चल के आपको रिव्यू. यारो मूवी खत्म हो चुकी है, क्या मूवी थी, मजा आ गया. 3 घंटे की मूवी है और लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये 3 घंटे की मूवी है. हर सीन में कुछ नया, हर सीन में कुछ इंटरेस्टिंग, हर सीन में धमाका एक्शन, हर सीन में रोमांस, सब कुछ था इस फिल्म में. मज़ा आ गया. शायद जितनी भी मैंने आज तक मूवी देखी है अपनी पूरी ज़िंदगी में, ये मेरी बेस्ट मूवी बन चुकी है पुष्पा. और मुझे इंतजार रहेगा बेसब्री से पुष्पा रूल पुष्पा 2 का. क्या मूवी थी यार. जब आप पुष्पा मूवी को देखोगे तो आपको लगेगा कि आप आपके बॉडी के अंदर करंट दौड़ रहा है. करंट इतना मोटिवेशनल, बहुत सारी चीज़ें हमें पुष्पा मूवी से देखने को मिली, सीखने को मिली, मज़ा आ गया. सॉन्ग्स इतने अच्छे थे और अल्लू अर्जुन का डांस हमेशा की तरह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मज़ा ही आ गया. हर बार अल्लू अर्जुन कोई नए स्टाइल में मिलते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ. इतना अच्छा क्या स्टाइल किया है अल्लू अर्जुन ने, मज़ा आ गया. कभी जंगली, कभी देहाती, और पता नहीं कितने सारे रोल आपको देखने को मिले. यारो आप अगर एक बेस्ट मूवी देखना चाहते हो और चाहते हो कि एक मूवी ऐसी, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप एक मूवी देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे कोई बहुत अच्छी मूवी देखने को मिले जिसमें हर चीज़ हो, तो पुष्पा आप चाहो तो देख सकते हो. पुष्पा दी राइस जैसे ही फिल्म शुरू होती है ना, शुरू में तो बड़े बड़े चीज़ों के नाम लिए जाते हैं, देशों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन एंड में आके जाके वो कहाँ रुकता है, पुष्पा पे. पुष्पा एक साधारण आदमी, लकड़ी काटने से लेकर पूरे जंगल का राजा और करोड़ों रुपया कमाने वाला, इसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते, इसका राजा बन जाता है. बहुत बड़ा सफ़र अल्लू अर्जुन ने तय किया है, मज़ा आ गया. इतने बड़े बड़े लोग, इतने खतरनाक विलन जो किसी से नहीं डरते, वो अल्लू अर्जुन से डरते हैं. जैसे ही अल्लू अर्जुन आता है सब डरने लग जाते हैं, लेकिन एक बंदा नहीं डरा था. लेकिन आखिरी में उसको भी पता चल गया कि पुष्पा जो चाहता है उस पर आज वो कर दिखाता है, और उसको भी नंगा करके, उसकी बेइज्जती की, ऐसी बेइज्जती की कि उसका कुत्ता भी उसको नहीं पहचान पाया. अब मेन मोटिव, अब मेन बात जिसके लिए हम यहाँ आए थे कि हमें पुष्पा में इंटरेस्टिंग देखने को क्या मिला. यार सब कुछ तो इंटरेस्टिंग था. चारों तरफ का एनवायरनमेंट, लुक्स, जितने भी कैरेक्टर एक्टर थे उनके लुक्स बहुत कमाल के थे. और सबसे बड़ी बात तो जो हमें देखने को मिली कि यार मुझे नहीं पता स्पाइडरमैन कितनी अच्छी मूवी है, मैंने नहीं देखी है. KGF आने वाली है, RR आने वाली है, लेकिन मैंने अल्लू अर्जुन से जो एक्सपेक्ट थी, जितनी सारी वो मूवी इतनी अच्छी अच्छी बना चुकी हैं और जैसा मैं चाहता था कि अल्लू अर्जुन की ये मूवी भी वैसी ही हो, मज़ा आ गया दोस्त.
बेस्ट मूवी थी, बेस्ट मेरे लिए बेस्ट मूवी थी। अल्लू अर्जुन ने शायद मेरे लिए अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बेस्ट मूवी ये है। अल्लू अर्जुन के लिए हो भी सकती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए अल्लू अर्जुन की ये बेस्ट मूवी है। सब कुछ झोंक दिया है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन इसी में ले ली है। और आखिरी में एक चीज़ हमें ज़रूर सिखा दी अल्लू अर्जुन ने कि ब्रांड ना, किसी दूसरे का ब्रांड अपने शरीर पर चिपका लेने से कोई ब्रांडेड नहीं बन जाता। ब्रांड खुद का होता है, ब्रांड अपने अंदर होता है, आप ब्रांड हो, कोई दूसरा आपका ब्रांड नहीं बन सकता, आप खुद अपने आप